हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 12:45। जस्ट किचन से आई हूँ। आज बहुत सारे चीज़ें बनाई हूँ आपके लिए, थोड़ा थोड़ा सूट की हूँ। डेफिनेटली यही वीडियो में मैं अटैच कर दूँगी। प्रोसीजर सबका शूट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, सो बनाना केक बनाई हूँ। बनाना का केक पिक्चर दे दूँगी आपको। और मैं बनाई हूँ राइस खीर, जो पायस होता है वो भी बनाई हूँ। और एक ये वेजिटेबल, मिक्स्ड वेजिटेबल बनाई हूँ जो बहुत हेल्दी है और ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में बनाई थी, सो इसलिए आप लोग के लिए सूट कर दी। आशा करती हूँ आप लोग को वो पसंद आएगा और बहुत हेल्दी होगा वो वेजिटेबल्स के साथ। आप लोग बॉइल्ड एग या एग का पोच या स्क्रम्बल्ड एग खा सकते हैं। आज इंग्लिश ब्रेकफास्ट थोड़ा सा बेक्ड बीन्स ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड ऐड कर दीजिए या टोस्ट ऐड कर दीजिए। पूरा फुल फ्लजेड ब्यूटीफुल सा ब्रेकफास्ट बन जाएगा वीकेंड के लिए। सो अच्छा लगा। और चिकन टिक्का बना रही थी, एक ऑर्डर था एक्चुअली। सो चिकन टिक्का का एकदम लास्ट पोर्शन थोड़ा सा सूट की हूँ आप लोगों को फाइनल लुक दिखाने के लिए। सो मैं आप लोगों को जैसे बहुत अच्छा लगता है मेरे किचन का जो जो चीज़ मैं किचन में बनाती हूँ उसको आप लोग पसंद करते हो, सो इसलिए मैंने की हूँ। और आज है सैटरडे, सुबह से पूरा मैंने, मेरा तो काम ही था बट लेजी लग रहा है, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूँ, हमारे जो रेजिडेंशियल कैंपस में तो कोविड केसेस बहुत है, ऑलमोस्ट 39 है आज अपडेट के हिसाब से। और बाहर से बैंगलोर से वो जो वीकेंड कर्फ्यू चालू हुआ था लास्ट 3 वीकेंड्स लेके, उसको उठा दिया गया है। आज नॉर्मल एक्टिविटीज़ बैंगलोर में है। और क्या बोलूँ, फिर भी हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही है। आदित्य, जैसे मैंने आप लोगों को बोली कि आदित्य ना लास्ट वीक से घर से काम करें, बहुत सारे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि अभी पीक में है, ये पीक ख़त्म होने तक थोड़ा सा घर से ऑपरेट करो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि डर लगता है यार। जैसे भी लोग बोलते हैं कि ये कॉमन फ्लू के जैसा हो गया है और सब लोगों को हो रहा है, वो तो सही है, बट एक बार तबीयत ख़राब होने से एक साइकोलॉजिकल फियर डेवलप होगा और उसमें से रिकवर करते करते आप लोगों को 15-20 डेज 25 डेज लग जाएगा। सो भगवान करे, भगवान साथ दें, जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हुए। और इसका जो असर है लोगों के ऊपर इतना पड़ता है, नॉट ओनली यू नो मेंटली, फिनेंशियली, साइकोलॉजिकली, हर जगह में वही है। थोड़ा सा स्कूल स्टार्ट हुआ कि नहीं, फिर बंद। थोड़ा सा सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ कि नहीं, फिर बंद। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मेरा मन है कि मैं मेरा क्लाउड किचन रीओपन करूं, बहुत मन था, सोच रही थी कि जनवरी में करूं। मेरा सोचते कोविड टाइम नहीं दिया अंदर घुसने के लिए, तो सब प्रोग्राम फिर बंद। जब कुछ करने के लिए कोई सोचता है, ये एक बैरियर क्रिएट करता है कोविड, वो आप लोगों को पता है। सब कोई जूझ रहे हैं इसके साथ, हम लोग भी कर रहे हैं, बट भगवान के पास प्रार्थना करेंगे मिलजुल के कि टाइम जल्दी ओवर हो जाए और हम लोग थोड़ा नॉर्मल से में वापस रिटर्न करें। किसी के साथ देखा नहीं होता, किसी के पास जाने का मन नहीं करता क्योंकि डर लगता रहता है। सबके कैंपस में कोविड केसेस भरा हुआ है, सब घर के अंदर रहना अभी पसंद करते हैं, वो अच्छा है। आप लोग ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिएगा, ज़रूरत ना हो तो बाहर जाके कुछ शॉपिंग वगैरह मत करिएगा। ऑनलाइन हो सकता है, प्रोविज़न है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं ये टाइम में। और मास्क यूज करिएगा ज़रूर, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिएगा ज़रूर। जैसे काल एक मेरे पास एक ये कोट आया था, जैसे नेशनल एनिमल टाइगर है, जैसे नेशनल बर्ड पीकॉक है, जैसे नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल मेडिसिन अभी Dolo 650 है। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली सुन के, अच्छा लगा इन द सेंस, हंसी आई।
दुनिया का रीति नियम को, दुनिया का जो कैलामिटीज, जो नेचुरल कैलामिटीज हो, जो पैंडेमिक हो, उसको कंट्रोल करने का क्षमता भगवान ने हम लोगों को नहीं दिए हैं। जितना हो सकता है सब कोई ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोली, मेरी जो देवर है, मेरे हस्बैंड का जो भाई है वो डॉक्टर है, वो कटक में है। उनके साथ मेरा लगभग एक दो दिन गैप में बातें होती रहती है। उनके साथ बात करके आज सुबह लगा कि रेगुलर उनको जो कोविड रिलेटेड चेस्ट, स्पेशली जो चेस्ट का केयर लेते हैं, जो वार्ड होता है, स्पेसिफिक वार्ड होता है, वो वार्ड में उन लोगों का ड्यूटी है। उन लोगों को रेगुलरली कोविड केसेस के साथ जूझना पड़ता है, करना है, क्या करें। वो प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि आप लोग छुट्टी नहीं ले सकते। आज मन नहीं किया तो नहीं जाना है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हर किसी का मजबूरी है। बैंक में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को डील करना पड़ता है। वो लोग नहीं बोल सकते कि कस्टमर को आप मत आइए हमारे पास। जिन लोग अवॉइड कर सकते हैं वो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, जिन लोग अवॉइड नहीं कर सकते उनको जाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो क्या बोलूँ मैं, जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं उसको ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो घर बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत सारे ज्ञान दे दी, ये तो हम लोग का एक मैंने रेगुलर रूटीन हो गया है लास्ट 2 साल से। तो उसके बारे में हम बोलते हैं और बोल बोल के थक जाते हैं, सोचते हैं कि भगवान करे ये फिर ये टाइम ना आए, फिर आ जाता है। बट कुछ नहीं करना है, हमको टाइम के साथ चलना है। सो हंसी खुशी ये टाइम को भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, आज सैटरडे में क्या क्या स्पेशल हो रहा है आप लोग के घर में मुझे ज़रूर बताना। हम लोग आज उड़ीसा स्पेशल पखाड़ खाएंगे। पखाड़ इज राइस वाटर, उसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से खाते हैं। कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसका जो रेसिपी है बहुत ईजी है, और ये जो समर आ रहा है ना उसके लिए बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। उसमें नींबू हम लोग निचोड़ते हैं, उसमें दही डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा कोई कोई करी पत्ता, जीरा का छोंक भी लगाते हैं। पर कोई कोई ऑयल में छोंक लगता है उसको पसंद नहीं करते, तो करी पत्ता को हाथ में तोड़ के डालते हैं। नींबू का जो पत्ते हैं उसको तोड़ के हम लोग उसमें डालते हैं। और ओडिशा में उसके साथ जो बहुत ज़्यादा जाता है वो है लीफी वेजिटेबल, जिसको हम साग बोलते हैं। वो है, मैं आज बनाई घर में, फिश माछ भजा बोलते हैं, माछ भजा बोलते हैं ओडिया में। वो है फिश फ्राई, वो भी जाता है। आलू बैंगन टमाटो का चोखा जाता है, उसमें मस्टर्ड ऑयल, रॉ अनियन, रॉ गार्लिक, रॉ ग्रीन चिलीज दे के हम लोग उसको चोखा बनाते हैं, वो बहुत अच्छा जाता है। मेरे मुँह में पानी आ जा रहा है, बहुत अच्छा। उसको पखाड़ो थाली बोलते हैं। मैं कभी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, चाहिए आप लोगों को। समर आ रहा है, उससे पहले तो ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या है ये अभी तक का रूटीन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। किचन का काम खत्म करके, जैसे बोला, अभी आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। अभी जाऊँगी। अब पखाड़ा ऐसा एक चीज़ है कि उसके साथ जो साइड आइटम है वो जरूरी बहुत उसके मुताबिक होना चाहिए, नहीं उसका मज़ा नहीं आता है। जो प्रॉन है उड़ीसा में, वो प्रॉन को सन ड्राइड करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। वो भी मेरे पास है, मैं ऑर्डर की थी। उसको भी जो पखाड़ा के साथ हम लोग खाते हैं, उसको फ्राई करके उसके अंदर अनियन पतला पतला करके, पटेटो कट करके डाल के एक सूखा सब्जी बनता है। वो भी हम लोग इसके साथ खाते हैं, बहुत मज़ा आता है पखाड़ा खाने में। और मेरे हस्बैंड तो वीकेंड में, वो बारिश का सीजन हो, रेनी सीजन हो, विंटर हो, समर हो, उनको रविवार और शनिवार 2 दिन से 1 दिन तो होना ही चाहिए। उनको लगता है कि वो नहीं खाए वो राइस वाटर या उसमें जो पखाड़ा बोलते हैं, तो उनका वीकेंड अधूरी है। चलिए, और बातचीत नहीं करके मैं जा रही हूँ किचन में। 1 बज गया है, हम लोग जनरली 1 to 1:30 के अंदर लंच कर लेते हैं। जाके लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को लंच के बाद। ब्रेकफास्ट के लिए एक हेल्दी वेज डिश बनानी है। इसके लिए मैं ब्रोकली और कैरेट को थोड़ा सा गर्म पानी में ब्लंच कर दी हूँ, और मशरूम को कट करके रखी हूँ, ग्रीन पीस रखी हूँ। अभी मैंने उसको साटे करूँगी, सॉटेड वेजिटेबल करेंगे। सॉटेड वेजिटेबल के लिए मैं पैन लिया, उसके लिए उसमें बटर लिया, उसमें लिया एकदम फाइनली चप किया हुआ जिंजर एंड गार्लिक। इसमें आप लोग ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को तीखा पसंद है तो। इसको हल्का सा फ्राई करिएगा, ब्राउन होने तक मत रखिएगा।
उसके बाद हम इसमें जो ब्लंच किया हुआ वेजिटेबल है कैरेट एंड ब्रोकली, उसके साथ ग्रीन पीस एंड मशरूम डालते हैं। सो आप लोगों को बाकी कोई दूसरा कोई वेजिटेबल भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल शॉर्टे करेंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल ज़्यादा कुछ मसाला कुछ नहीं रहेगा। बस ये हो गया, आप लोगों को देखना है कि पूरा वेजिटेबल अच्छा से पक गया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग एक्चुअली ब्रोकली और कैरेट पक जाने के बाद हम लोग इसमें मशरूम डालेंगे, क्योंकि मशरूम बहुत पानी छोड़ता है, बट मुझे ना सॉल्टेड मशरूम बहुत पसंद है, आप लोगों से बहुत लोगों को भी पसंद होगा। ये बटन मशरूम, अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगानो एंड हो सकता है तो आप थोड़ा सा क्रश्ड पेपर भी इसमें डाल दीजिएगा। ये तीनों चीज़ को डालने के बाद हम इसको टस्ट करेंगे। टस्ट करने के बाद गर्मा गर्म ये जो सॉटे वेजिटेबल उसको टोस्ट के साथ, बॉइल्ड एग के साथ या पोच के साथ, या आप इसको स्क्रम्बल एग के साथ सर्व करिएगा, एकदम मज़ेदार ब्रेकफास्ट हो जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप लोगों को प्रॉमिस की थी लंच के बाद फिर मिलेंगे, बट हो नहीं पाया, थोड़ा सा काम में उलझ गई, ऐसा होता है। और अभी अभी एक्चुअली मैं मेरा जो जो दुपट्टा का ड्रायर है उसको रीऑर्गेनाइज कर रही थी, मैं बीच बीच में करती हूँ। कभी कभी लगता है कि कौन सा भी सलवार सूट के साथ कोई दुपट्टा मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रही हूँ और उसका करने का चांस नहीं है, तो उसको मैं अलग करके रखती हूँ, किसी को दे देती हूँ जो यूज़ करना चाहते हैं। सो रीऑर्गेनाइज करना एक एक्चुअली सही तरीके से एक अच्छा काम होता है, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ आप यूज करोगे कौन सा नहीं करोगे। जो नहीं करोगे अननेसेसरली उसको क्लटर करने का ज़रूरत नहीं है, आप बीच बीच में उसको डी क्लटर कर दीजिए। सो देखोगे कि आप लोगों का जितना ज़रूरत है वही हिसाब से आपका कपबोर्ड आपका ड्रॉयर ऑर्गेनाइज होकर रहेगा, और आपको अननेसेसरी जब चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा या ढूंढना नहीं पड़ेगा जो आपको ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ ज़रूरत है वो हाथ के पास मिल जाएगा आप लोगों को। सो ऐसा करते करते मुझे चार पांच मेरा जो दुपट्टा है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे लगता है कि ये सब दुपट्टा किसी के भी कपबोर्ड में किसी के भी वार्डरोब में होना चाहिए। सो ज़्यादा दुपट्टा मेरे पास बहुत ज़्यादा दुपट्टा का कलेक्शन है, बट मेरा जो फेवरेट है और जो मुझको लगता है कि हर किसी के पास वही टाइप का कुछ दुपट्टा होना चाहिए जिसको हम लोग बहुत सारे सूट के साथ कंबाइन कर सकते हैं और बहुत सारे सूट के साथ एक्चुअली पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे एक दुपट्टा को हम लोग दो तीन चार सूट के साथ कंबाइन करके पहन सकते हैं, सो अच्छा लगेगा। सो उसका टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट दुपट्टा मुझे लगता है जो सबके वार्डरोब में होना चाहिए वो है ब्लैक कलर का दुपट्टा। अभी डिजाइन के ऊपर आते हैं, ये एक बनारसी दुपट्टा है ब्लैक कलर का, ब्लैक और रेड में थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे है। आप लोगों को पास में से खोल के दिखा रही हूँ इसका जो काम है। इसको मैंने ऑनलाइन खरीदी थी ये दुपट्टा को, और ये बहुत सुंदर एक दुपट्टा है। मैंने ट्राई ऑन करके आप लोगों को अभी नहीं दिखा रही हूँ, बट आप लोगों को दिखा दूंगी ये दुपट्टा का लुक। ये है मेरा एक बनारसी दुपट्टा, ब्लैक के ऊपर गोल्ड का बनारसी काम किया गया है, और ये कॉटन के ऊपर है, ये सिल्क के ऊपर नहीं है। और मुझे लगता है ये वाला दुपट्टा एक हर किसी के पास होना चाहिए, इसे ब्लैक एंड गोल्ड कम्बिनेशन में। वो आप ब्लैक प्लेन ब्लैक के सूट के ऊपर भी पहन सकते हैं, रेड के ऊपर भी पहन सकते हैं, जो डार्क पिंक या रानी कलर बोलते हैं उसके ऊपर भी पहन सकते हैं, इसको ग्रीन के ऊपर भी कंबाइन कर सकते हैं, इसको ब्लू के ऊपर भी कंबाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा वाइट के ऊपर, एक प्लेन वाइट सूट के ऊपर ऐसा एक गॉर्जियस दुपट्टा पहन लो और पेयर अप कर लो कुछ एक्सेसरीज के साथ, तो बहुत सुंदर लगेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट दुपट्टा, मुझे लगता है हर किसी के वार्डरोब में होना चाहिए। अगेन आते हैं वही ब्लैक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो और एक दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है, और मैंने इसको खरीदी थी बैंगलोर का जो कमर्शियल स्ट्रीट है वहाँ का लोकल शॉप से।
ये बहुत सुंदर है दुपट्टा है। जैसे आप लोगों को पता है ये फुलकारी काम है, दुपट्टा के ऊपर फुलकारी काम किया गया है, बट इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। ये दुपट्टा को आप ब्लैक सूट के ऊपर, वाइट सूट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो दुपट्टा को साड़ी के साथ भी पेयर अप करते हैं, बहुत सारे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कैसे आप वेस्टर्न वेयर को दुपट्टा के साथ पेयर अप करेंगे। हाँ सच्ची बोल रही हूँ, ये भी है, बट ऐसा वाला एक ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन का दुपट्टा मेरे हिसाब से हर किसी के वार्डरोब में होना चाहिए। आप किसी के साथ भी इसको पेयर अप कर सकते हैं, एंड खास करके ब्लैक एंड वाइट सूट के साथ ये बहुत सुंदर लगेगा। आप पटियाला का सूट पहनिए और नॉर्मल सलवार सूट पहनिए, या आप पलाजो और कुर्ती पहनिए, उसके साथ ये वाला दुपट्टा बहुत अच्छा से जाएगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट दुपट्टाज है। दो गया, अभी आते हैं थर्ड दुपट्टा जो कि अगेन ब्लैक के ऊपर है, और ये मेरा आजकल सबसे फेवरेट है जब से मुझे इसको गिफ्ट में मिला है। ये इसको मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दी है, शायद मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बोली थी। ये एक मल्टी कलर का फुलकारी दुपट्टा है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, ब्लू, रेड, रानी, ग्रीन, सब कलर का काम हुआ है। पास में से दिखा रही हूँ वाला दुपट्टा, ये मेरा आजकल का सबसे फेवरेट दुपट्टा है, बहुत सुंदर दुपट्टा है। ये तो जिस कलर के थ्रेड का काम इसके ऊपर हुआ है, हर किसी सूट के साथ बहुत सुंदर लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं एक ब्लैक एंड पिंक कलर का ड्रेस पहनी हूँ, ये पूरा ब्लैक होता तो आप लोगों को दिखा सकती इसका लुक, बट चेंज करने के लिए टाइम नहीं था मुझे। सडनली मैंने डिसाइड किया कि मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, और फटाफट से आ गई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और आप लोगों को ये इसको देख के शायद कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल जाएगा कि ये मल्टी कलर का फुलकारी दुपट्टा जो पंजाब का जान है, जो हम लोगों को बहुत सारा मिलता है वहाँ पे, ये आजकल हर जगह में मिलता है, बट बहुत सुंदर है ये दुपट्टा। और ये दुपट्टा को मैंने ऑलरेडी एक ब्लैक सूट के साथ पहन के रखी है, मैंने एक बाहर गई थी, बहुत प्रेज किए थे मेरे फ्रेंड्स ने। और इसको ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रानी, कोई भी कलर के सूट के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं। ब्लैक के ऊपर, ब्लैक बेस के ऊपर मैंने तीन दुपट्टा आप लोगों को दिखाई, और मुझे लगता है हर किसी के वार्डरोब में ब्लैक के ऊपर कुछ काम किया हुआ दुपट्टा होना चाहिए, मल्टी कलर तो होना ही चाहिए, जिसको हम लोग कोई भी प्लेन कलर का आउटफिट के साथ सुंदर से मैच कर सकते हैं। अभी आते हैं जो मुझे पसंद है, वो है एक गुजराती प्रिंट का दुपट्टा, और एक मल्टी कलर दुपट्टा आप लोगों के वार्डरोब में जरूर होना चाहिए। सो गुजराती प्रिंट का एक मल्टी कलर दुपट्टा मैंने साफिना प्लाजा से खरीदी थी, बैंगलोर में साफिना प्लाजा कमर्शियल स्ट्रीट के पास है, वहाँ से मैंने ये वाला दुपट्टा खरीदी थी। इसको मैं खरीदी थी सोच के कि मैंने इसको एक्चुअली येलो कलर के सूट के साथ पहनूंगी, और ये जो कलर है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पे जो विड्थ है उसमें ऐसे गोल्डन कलर का पट्टी है, और पूरा दुपट्टा ये है एक्चुअली जॉर्जेट का, ये मटेरियल जॉर्जेट का है, बहुत सुंदर, बहुत सॉफ्ट एक मटेरियल है। और ये दुपट्टा को आप लगभग ब्लू के साथ, येलो के साथ, मैरून के साथ, हर किसी कलर के साथ पहन सकते हैं, वो मेरा वार्डरोब का जान है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला दुपट्टा। और इसी को जैसा मैंने बोला, मैंने येलो कलर के सूट के साथ इसको पहनती हूँ, इसका लुक एकदम उभर के आता है और बहुत सुंदर है। ऐसा वाला और एक मल्टी कलर का गुजरी प्रिंट का, बानी प्रिंट का दुपट्टा मेरे पास भी है। उसके बाद आते हैं और एक दुपट्टा में जो मैंने आप लोगों को शायद पहले दिखाई, बट इसी को नहीं दिखाऊंगी तो मेरा वार्डरोब मैंने मेरा दिखाने का जो मकसद है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए इसका काम, ये है लेंथ वाइज और ये है विड्थ वाइज इसका काम। इसको मैंने ऑनलाइन से खरीदी थी, देखिए ऑनलाइन से खरीदी थी, पास में से दिखा रही हूँ। और ये है पिंक एंड रेड, डार्क पिंक जिसको रानी बोलते हैं, वो रानी और वाइट कम्बिनेशन का दुपट्टा है। जो उसका विड्थ देखिए, मेरा हाथ भी नहीं आ रहा है, बहुत विड्थ इसका बहुत ज़्यादा है,
बहुत सुंदर है दुपट्टा, अगेन बानी प्रिंट के ऊपर है और ये है सिफन दुपट्टा, ये कॉटन नहीं है, ये सिफन है। इसको मैंने पेयर की थी ओनम में, मैं जब पहनी थी वाइट और गोल्ड कलर का सूट, उसके साथ मैंने इसको पेयर अप की थी। बहुत सुंदर, बहुत नियारा एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है, जो मुझे लगता है ये वाला कलर कॉम्बिनेशन हर किसी के पास होना चाहिए। सो ये वाइट के साथ, गोल्ड सूट के साथ एंड वाइट सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आते हैं जो मेरा फेवरेट लिस्ट का सबसे लास्ट दुपट्टा के ऊपर, जो है एक कॉटन फुल करे दुपट्टा, जिसको भी मैंने ऑनलाइन से खरीदी थी। सो इसको भी दिखा देती हूँ, ये प्योर कॉटन का है, ये प्योर कॉटन का है। इसको मैंने ऑनलाइन, ये जो रानी कलर आप देख रहे हैं इसके साथ एक ब्लू भी मैंने खरीदी थी, और ब्लू का दुपट्टा मेरे वार्डरोब में है, बट इसको मैंने ज़्यादा यूज करती हूँ। ये इतना सुंदर काम है, दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत सुंदर काम है और ये है प्योर कॉटन का एक दुपट्टा, जो स्लिप नहीं करता है, एक बार आप साइड में दे दीजिए बहुत सुंदर लगता है। ये भी गोल्ड का टच है, इसमें भी मल्टी कलर आप जैसे देख पा रहे हैं, बहुत सारे कलर यूज हुआ है, और कोई भी फंक्शन में वो आप लोगों का दिवाली हो, होली हो, कोई भी फंक्शन में आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं, मतलब कोई चिंता नहीं करोगे जब सूट पहनोगे कि क्या पहनो। ये इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, हर कोई फेस्टिवल में ये आप उसको पेयर अप करोगे तो आपका लुक निखर के आएगा, आपका आउटफिट के साथ ये बहुत सुंदर तरीके से मैच करेगा। मैंने इसको एक बार भी प्लेन ब्लैक सूट के साथ पहनी थी और एक प्लेन ब्लू सूट के साथ पहनी थी, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है दुपट्टा। हर किसी के पास इंडियन क्लोथ्स होता है, हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको पहनते हैं। जब पहनते हैं हमारे पास कोई अच्छा दुपट्टा ना हो तो जब प्लान करने के टाइम सब गड़बड़ी होता है, अरे मेरे पास तो दुपट्टा नहीं है, फिर जाओ दौड़ा भागी करो, फिर जाकर दुपट्टा लेके आओ, ऑनलाइन में ऑर्डर करो तो ठीक टाइम में पहुँचता नहीं है। सो आप लोग थोड़ा सा उसको आगे से प्लान करके आपके वार्डरोब में ज़रूरत के हिसाब से कुछ 5-7 दुपट्टा रखेंगे तो मैक्सिमम सूट के साथ हो जाएगा, और मैक्सिमम सूट के साथ आप लोग उसको पेयर अप कर सकते हैं और बिना कोई प्रॉब्लम से। सो ये था मेरा जो फेवरेट दुपट्टा कलेक्शन, जिसको जो मेरे लिए भी तो फेवरेट है, बट आप लोगों को इसलिए दिखाई कि ऐसा वाला दुपट्टा आप लोगों के वार्डरोब में रहेगा तो आप लोग किसी भी सूट के साथ उसको पेयर अप आराम से कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वाला जो मैंने ये जो दुपट्टा का कलेक्शन है, मेरा फेवरेट कलेक्शन आप लोगों को दिखाई, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा चूज करने के लिए, सोचने के लिए और ख़रीदने के लिए दुपट्टा, जब आप जाओगे दुपट्टा खरीदने के लिए, और ये जानकारी आप लोगों के काम में आएगा। सो चलिए आज इसके साथ इसको ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए मैंने आज रूटीन इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरा रेसिपी और मेरा दुपट्टा कलेक्शन जो भी हो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे को और मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करिएगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया एंड मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट टू ऑल।